بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العظيم. आज जो सूरत है सूरह नबा, सूरतुन नबा। तो नबा के माने अजीम खबर की कहते हैं, आम न्यूज़ को नहीं बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो होती है उसको नबा कहते हैं। तो नबी उसी से लफ्ज़ है, खबर देने वाले। क्या खबर देने वाले? ये अजीम खबर देने वाले, समझे आप? नबी का लफ्ज़ इसे आए, नबा के माने खबर देने वाले। कौन सी खबर देने वाले? तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की तो सबसे हमें कि तुम लोग दिन मरने वाले, खुदा के पास तुम पेश होने वाले हो, उसकी तैयारी करो। इन लकुम नज़ीरुम बैन यदी अज़ाबिस्साअत, मैं तुम्हें अज़ाब आने से डराने वाला हूँ तुमसे। ये थी असल चीज़। और पूरे कुरान को अगर हम देख लेंगे तो जो है वॉल्यूम के लिहाज से 3/4 हिस्सा आखरत पर है। अहकाम भी दिए गए, तुम्हें भी पता गया कि एक दिन खुदा के सामने पेश होना, तुम्हारा मन ना करोगे तुमको सजा होने वाली है। अहकाम, अकाइद, सारी चीज़ें हर जगह आखरत से जुड़े हुए। तो इंसान की इस्लाह आखरत पर, अकीदे पर। खुदा को कितना भी मान लिया, क्या होने वाला भाई? अल्लाह ताला एक है, सिफात वो है। दिल में मरने का यकीन नहीं है, पेशी का यकीन नहीं है, जरा दूसरों पर यकीन रखने वाला नहीं है, तो क्या फ़ायदा होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला है मालूम। तो जो अलीगढ़ कॉलेज के बानी थे सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान साहब जो है, वो जन्नत दूसरों पर यकीन नहीं रखते थे मालूम। कहाँ की जन्नत, क्या की दोजख, क्या है, यकीन नहीं था उन लोगों को। अरे हमारा सारा काम ही उसी पर है, जन्नत दोजख पर ही हमारा काम, और कुछ भी नहीं है। कुरान जो है जन्नत का तस्करा करता है, दोजख का तस्करा करता है, अहले जन्नत का तस्करा करता है, अहले दोजख का तस्करा करता है। कुरान इसी से भरा पड़ा है मालूम है। तो उस पर यकीन नहीं था उनको मालूम, इसलिए हमारे उलमा का इजमाई फतवा है उनके बारे में, वो काफिर थे मालूम। तफ़सीर हक़्क़ानी में लिखा है। तो बहरहाल यहाँ जो है नबा के माने खबर और अजीम खबर को कहते हैं। ये किस किस बात में जो है आपस में पूछ गुछ कर रहे हैं लोग? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें वो सब मुख्तलिफ हैं, सब में इख्तिलाफ कर रहे हैं लोग? हरगिज़ नहीं, अनकरीब अब जान लेंगे। फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब जान लेंगे। कब? अभी मौत आते मालूम हो जाएगा। सब इतनी जो इनकी जो है आवाज़ चली है, इनका टेंटवा दबा देगी मौत आके मालूम होगा। देखो इनकार कर रहे थे, देख लो यहाँ सब शुरू हो गया। दुनिया की आखिरत तो दूर है लेकिन इंसान की आखिरत बहुत करीब है। क्या हमने ज़मीन को बिछाना नहीं बनाया? आगे दलाइल दिए जा रहे हैं। ज़मीन को कैसे, किसने बिछाया? देखने में ज़मीन गोला है सब लोग जान रहे हैं, लेकिन ज़मीन बिछौने की तरह है। मिहाद, मिहाद महदून, बिछाना, बिछौने की तरह बना दिया ज़मीन को अल्लाह ने। वल जिबाल अवतादा, और पहाड़ों को मेखों की तरह अल्लाह ने गाड़ दिया है, और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया है। चलो मर्दी होती तो क्या करते थे? मर्द औरत बनाया, ज़िंदगी इस तरह दोनों की मिलकर ज़िंदगी होती है। वह जलना, और तुम्हारी नींद को तुम्हारे सुकून का ज़रिया बनाया, तुम्हारी थकान को दूर करने का ज़रिया बनाया, और रात को लिबास बनाया, दिन को माश कमाने का ज़रिया बनाया। अल्लाह ताला दिन को रोशन बनाया ताकि तुम कमा सको, और हमने तुम पर 7 आसमान मज़बूत जो है हमने बनाए हैं, और एक चमकता हुआ जो है चिराग बनाया सूरज, और आसमान से हमने बदलियों से जो पानी निचोड़ने वाली है वो बना दी। कैसा पानी पट पट, कोई निचोड़ता तो पानी पड़ता है, मतलब नहीं पड़ रहा है। मौसलाधार बारिश हुई आज, देख रहे हैं, ताकि हम इसके जरिए से तुम्हें अनाज और नबातात, तुम्हारे इसलिए सब्जियां
और घने बाग तुम्हारे लिए पैदा करें हम। अभी सब पैदा करके बस जानवर इधर खा पी के खत्म हो जाएगी जिंदगी इंसान नहीं। बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त फैसले का दिन आने वाला है। जिस दिन कब आने वाला है, जिस दिन अल्लाह ताला सुर फूका जाएगा, तुम लोग फौज दर फौज निकल कर आ जाओगे और आसमान खोल दिया जाएगा। तो ऐसा मतलब सिर्फ पूरा आसमान खुला हुआ सारे दरवाजे ही, और पहाड़ चला दिए जाएंगे जो रेजी की तरह हो जाएंगे, रेत की तरह, तोदे की तरह हो जाएंगे। तो सूरह नबा 30वीं पारी की पहली सूरत है। तो कुरान के 3/4 मज़ामीन आखिरत के बारे में, कुरान आखिरत की तैयारी के लिए आया हुआ है। मालूम जिसका आखिरत पर अकीदा मजबूत है वही सूरह का ना, सूरह का ना इंसान मालूम। इतने बड़े दलाल दुनिया के, जिसके तौहीद दलाल दियो, नबी सल्लम की सब दियो, लेकिन सुधरना कब ने, एक दिन मरना है जाके मुझे अल्लाह का ठहरना है, वहाँ मेरा हिसाब किताब होने वाला है। अगर मेरे पास ईमान है तो मर जाता हूँ, ईमान नहीं है मैं जानने में जाऊँगा बस। ये जिसके दिल में मजबूत वही सुधरेगा, सुधरेगा नहीं आदमी। इंसान सुधरने वाला आखिरत का अकीदा, आखिरत दुनिया की आखिरत तो बहुत दूर है, इंसान की आखिरत कहाँ, इंसान की दुनिया की क़यामत तो बहुत दूर है, अभी कब आई अल्लाह जाने वाला, लेकिन इंसान की मौत तो उसके सर पर है। मानो मन मात क़यामत अलैहि, जो मर गया उस पर क़यामत कायम हो गई। मन मात क़यामत अलैहि क़यामा, जो मर गया उस पर क़यामत कायम हो गई। बस कहाँ दुनिया में क्या होता होता ना, तो चला गया ना आलम में। इतनी सारी बातें जो हैं आज तुम जो है शक कर रहे हो, बहुत दूर नहीं, मरते ही मालूम हो जाएगा सब। ये क़यामत का इनकार करने वाले किस चीज़ का हल दरियाफ्त कर रहे हैं, उस बड़े वाक़े का हल दरियाफ्त कर रहे हैं जिसमें ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। तो ये लोग कैसा इनकार करने वाले, सिर्फ क्या कब आती कहते हैं, कहाँ आने वाली, कैसा इस तरह से औलाद कर रहे थे लोग, आती कहते हैं क्या मतलब, कौन बोले क्या है, इस तरह से इनकार करने के स्टाइल में हम किसके बारे में सवाल कर रहे हैं लोग। ये अल्लाह की तरफ से यकीनी बात है, ये लोग इनकार के अंदाज से जो सवाल करते थे, क्या सब कहमत कब आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपस में इस तरह से, क्या बोलते हैं क्या मतलब, कहते हैं क्या है, ये है उनका अंदाज। अम्मा तो साल अल्लाह तला किसके बारे में सवाल कर रहे हैं लोग, क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें लोग से इख्तलाफ में पड़े हुए लोग हरगिज़ नहीं अनकरीब जान लेंगे, हरगिज़ नहीं अनकरीब जान लेंगे, फिर ताकीद के लिए अल्लाह तला अनकरीब मालूम हो जाएगा। तो दुनिया की क़यामत तो बहुत दूर, लेकिन तेरी क़यामत तो तेरे जूते के नसीब से करीब है। हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ, क़यामत ज़रूर आएगी। अभी इनको मालूम हो जाता है जब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ जाएगा तो मालूम हो जाएगा अरे यार दूसरा एक आलम है भाई, और वो बहुत दूर नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि हरगिज़ नहीं, अभी इनको मालूम हुआ जाता है, उसको मुहाल समझते हैं। कैसा मुहाल समझते हैं तुम इसको, नामुमकिन कैसे समझते हो, हमारी कुदरत को देखो कैसे हमने ज़मीन को बनाया है, जो हम बनाने वाले ज़मीन को हम उसको तोड़ देने वाले, तुम क्या कर रहे हैं। अब एक इंजीनियर मकान बनाया, तोड़ सकता नहीं, बनाने के लिए टाइम लगेगा, बिगाड़ने के लिए क्या है, बस एक बुलडोजर लगाते हैं गिर गई बड़ी सी बड़ी इमारत, जो एक बार बनाए दूसरी बार बना सकते क्या नहीं। एक इंजीनियर है, उसने इमारत बनाई, तोड़ सकता भी है, दूसरा बना सकता है। तो ज़मीन और इस पर जो आबादी है किसने बसाई, ये सवाल किया जा रहा है। क्या हमने ज़मीन को फर्श की तरह नहीं बिछाया, पहाड़ों की को मेखों की तरह नहीं गाढ़ा है। ज़मीन जो थी हलती थी, दर्जा होता था ज़मीन के अंदर, पहाड़ आके मजबूती से मेखों की तरह गाड़ दिएगा, हलती नहीं ज़मीन। कभी कभी अल्लाह का हुक्म हो जाता है तो कभी हलने लगती है, जलजला आता है। देखिए और हमने तुम्हें जुड़ा जुड़ा बनाया है, ज़मीन को ऐसा बनाया तुम्हारे लिए बिछोने की तरह बनाया है, फिर उसके बाद पहाड़ बना दिए मेखों की तरह गड़े हुए, उसके बाद जो है तुमने हमने तुमको जुड़ा जुड़ा बनाया है ताकि तुम दोनों मिलकर ज़िंदगी बसर करो मर्द और, उसी दुनिया की आबादी बढ़ती रहे, कुछ लोग ख़त्म होते जाएंगे कुछ लोग पैदा हो रहे हैं। अभी हम 60 साल 65 साल की, इससे पहले एक जनरेशन थी, अब नहीं है। फलां साहब थे, फलां साहब थे, फलां साहब थे, नमाज पढ़ने वाले थे यहाँ पर, पढ़ाया करते थे, सब वो जनरेशन चले गई बस, और हम भी चले जाएंगे उसकी जनरेशन आएगी, हम भी वो ना बस देख रहे कैसे अल्लाह निज़ाम चलाया है। कौन रहना चाहता रह सकता क्या, मरना चाहता मर सकता है नहीं, मर सकता इंसान जब अल्लाह को तक मर सकता नहीं, रहना चाहे तो रह सकता नहीं, मरना चाहे तो मर सकता नहीं, मालूम है नहीं, जिंदगी का वो अल्लाह के कब्जे में है। हमने तुमको जोड़ा जाला बनाया और हमने तुम्हारी नींद को राहत की चीज़ बनाया है। दिन भर इंसान काम करता है, रात नींद आ जाती है उसको, कैसी अल्लाह की नेमत है नींद, मालूम है यहाँ हजरत ने लिखा है
नींद बहुत बड़ी नेमत है मालूम। वो जैलना नौमकुम सुबाता, सुबात के माने जो है एक्टिविटी के खत्म होने की, एक्टिविटी बंद होने की, सबत के माने काम खत्म हो गया, आप अब जो है खत्म रुकावट की। तो दिन भर काम करके आदमी जो है ऑटोमेटिक जो है थक जाता है, सोना चाहता है। यह अल्लाह ताला ने इंसान को जुड़े जुड़े बनाने का जिक्र फरमाने के बाद इसकी राहत के सब सामानों में खास तौर पर नींद का जिक्र किया है। गौर कीजिए तो एक ऐसी अजीम शान नेमत है कि इंसान की सेहतों का मदार यही है। नींद नहीं तो क्या देखें कितने में बनाते, नींद नहीं साहब तबीयत खराब हुई नींद नहीं से वो रात जागे नहीं ऐसा हुआ, कितने लोग किसे करते वो रात जागा था नहीं उस दिन, जरा पेट डिस्टर्ब हुआ, खांसी आई, वो रात सर्दी थी, गला क्या क्या दुनिया भर के बीमार काले पड़ता। सोने के बाद ही तो इंसान का निज़ाम जो है और नया बन जाता है, रिपेयर जो कुछ भी दिन में हुआ काम रिपेयर होता है अल्लाह ताला के फज़्ल से। सारी रातों का मतलब यही, इस नेमत को अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक के लिए एहसान फरमाया कि अमीर गरीब किसी को तमीज़ नहीं की, सबको आती नींद, जाहिल आलिम बादशाह मजदूर सबको अल्लाह ताला ने दौलत अता फरमाई है। बल्कि दुनिया के तजुर्बा है गरीबों और मेहनत की बहुत ज़्यादा नेमत हासिल होती है। मालदारों और दुनिया के बड़े नसीबों बड़े लोगों से रकम है, उनके पास राहत के सामान हैं, एयर कंडीशन घर है, राहत का मकान है, हवा सर्दी गर्मी का सब एडजस्ट कर ले सकते हैं, बड़े बड़े आराम गद्दे तकिए हैं, गरीबों को नहीं मिलते इसे। मगर नींद की नेमत गद्दों या तकियों कोठियों बंगलों के किताबें नहीं है, वो तो अल्लाह की नेमत है। बाज़ वक़्त मुफ़लिस लोगों को बगैर सामान खरीदा जाती है, बैठे बैठे सो जाता है, देखिए रस्ते में सो रहा था माँ कहाँ सो रहे, चल घटाते हैं उससे कहाँ सो रहे, नींद आ गई क्या करेगा, नींद क्या कितना मजबूर है इंसान, देख रहे हो भी कैसा मजबूर है नींद के आगे, नींद कौन ला रहा है, अल्लाह ही ला रहा है। मालूम कुरान में आता है कि अल्लाह तुम्हारी रूहों को नींद को कब्ज़ कर लेता है, मालूम फिर उम्र में अल्लाह यतवफ्फल अनफस हीना मौतिहा, अल्लाह ताला नींद वफी मनामिक, तुम जब सोते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है, और जिनकी जिनको मौत तारी करना है उनकी रूहें कब्ज़ कर लेता है, फिर जिनको मौत हो गई वो तुम्हारा ही जाएंगी रूहें, जो जिंदा है फिर भेज देंगे रूहें। बाज़ औक़ात साधु सामान वालों को नींद नहीं आती, गोला खाना पड़ता है, नींद नहीं आ रही साहब जरा डॉक्टर को बोल के गोला लेते ज़्यादा गोला खा लेता कभी कभी क्या क्या होता है सब गड़बड़ चलते रहती है, क्या मरने के बाद कभी वो गोला खा लेते हैं, डॉक्टर ने देखो दे रहे हैं गोला। मुफ्त बिला मेहनत के सबको दिया है, सबसे इसलिए बड़ी नियामत है, बल्कि अपनी रहमत कामेला से इसको जबरी बना दिया है, हर एक को आना चाहिए। इंसान बाज़ औक़ात काम कसरत से मजबूर होकर रात भर जागता रहता है, मगर रहमत हक़ ज़रा इस पर जबरन नींद मुसल्लत कर देती, काम करते थक जाता हूँ, देखे ना रात को नाइट ड्यूटी करते हुए सो रहा था। इसी नींद की अजीम नेमत को वो रात से जोड़ दिया अल्लाह ताला, वो जलना लैल लिबासन, रात को छुपाने की चीज़ बनाया था। तमाम इंसान ही नहीं बल्कि तमाम जानवर भी मजबूर हैं अपने ये लेने के लिए, सुकून लेने के लिए, मतलब पूरी दुनिया चली जाती है रात के लिबास में, पूरी दुनिया चली जाती है मालूम है, पहले दिन रात सारे चीज़ों में दिन होता है, फिर रोशनी होती, चलो सब परिंदे जानवर इंसान सब बिदर है, अल्लाह ने कैसा निज़ाम बनाया है इसे कोई तोड़ नहीं सकता मालूम है, तुम्हारा एक निज़ाम अलग हमारा हर एक क्या होते थे सबके काम अलग होते थे, ये लोग सोने टाइम है, अरे इनका काम करने टाइम, इनका सोने कैसा होता नहीं जमता था, पूरे दुनिया वालों को अल्लाह ने ऐसी इसी का पाबंद बना दिया है, इसीलिए दुनिया चल रही है। देख इस तरह से आगे वही दलाल कहते अल्लाह तरबान कर रहे हैं, इस तरह से हम तुम सबको मारेंगे तुमको जिंदा करेंगे, रोज देख रहे हैं तुम लोग नींद की गफलत में चले जाते हो, फिर दिन निकलता है सब निकलता है, इसी तरह हम सूर फूकेंगे तुम लोग मर जाओगे, दूसरा सूर फूका जाएगा तुम सब जिंदा हो जाओगे। रोजाना दलील तुमको दे रहे हैं और क्या है, रोजाना मौत की नींद में तुमको सुला देते हैं, सुबह उठ तुम उठा देते हैं और क्या है, नींद जो है मौत की बहन है मालूम है, हदीस नहीं है इसके अदबी का मकबला है, नींद क्या है मौत की बहन है, इस पर कोई अहकाम नहीं, सोए आदमी पर कोई अहकाम है क्या, नहीं मालूम है सोए आदमी पर कोई अहकाम नहीं, बस तो अल्लाह ताला ही जो है अल्लाह यतवफ्फल अनफस हीना मौतिहा बल्लती लम तम फी मनामिहा, जो लोग मरे हैं जो लोग नींद दोनों की रूहें अल्लाह ताला कब्ज़ कर लेता है, जिसका मौत का फैसला है उनकी रूह रख लेता है, जिनका जिंदगी है उनकी रूहें फिर वापस आ जाती, तो जिंदगी चलती रहती है उसकी माना, तो ये रोज तुम्हारे लिए इतनी बड़ी दलील है और क्या चाहिए, नींद को इसलिए बयान किया गया मालूम है,
एक तरह की गफलत, इंसान की रूह उससे अलग हो जाती है। अब इसकी मिसाल मैं समझाता हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ। अब करंट आ रहा है, अब पूरी तरह करंट काट दिए, तुम बटन मारे चलती है गाड़ी, करंट चल रहा है, आपने बटन मार दिया तो फिर लाइट आई, इसी तरह से। तो मौत के अंदर जो कनेक्शन काट कर दिया जाता है, तुम क्या बटन उठाते रहते हो, बाबा बाबा उठा रहे हो, उठ हो गया, खत्म हो गया। यहाँ जरा बेचारा जरा उठ रहा है, क्या रे क्यों उठा रहा है, गुस्से आता बाप, चल कहीं उठा रहा हूँ, चले देख रहे कितना बड़ा फर्क। तो कनेक्शन जो है, रूह का कनेक्शन कट कर दिया जाता है बस, जिस्म से कनेक्शन है लेकिन रूह खींच ली गई है, कनेक्शन है रूह ऊपर ले ली गई है, उठाते आदमी उठ जाता है। ये रोजी हो रहा है तुम्हारा, ये बहुत बड़ी दलील है तुम्हारी जो है मौत पर, कयामत आने पर। एक दिन अल्लाह ताला पहला सूर फूकने लगाएंगे, वही आता योम कब आएगा, योम इनफुकुफिस सूर, जबकि सूर फूका जाएगा, तो पहला सूर फूका जाएगा सारे लोग मर जाएंगे, दूसरा सूर का सब जाग उठेंगे। रोजी है तुमको दिखा रहा नक्शा इसका, सूर फूकने का और मर जाने का, फिर सूर जिंदा होने का नक्शा रोज तुमको दिखा रहा है। क्यों इनकार करते हो तुम आखरत का, देख रहे कैसी दिल अल्लाह ताला दे रही है कि एक आम इंसान नहीं समझ सकता। और कितना मजबूर है इंसान समझ, देखो सोने पर मजबूर है, जागे पर मजबूर है कि नहीं, कुछ सुबह था एक क्या सो रहे रे जाग सुबह उठ, कब तक सोते जी सी माँ को तो बेटा भाई बोलते नहीं, ये उठा 9 बजे 10 बजे क्या बेटा सो रहे हो, ये ऐसा निज़ाम अल्लाह ने बना रखा है उससे किसी को मफर नहीं है। हाँ क्या थी रात है, रात थी सो जा रहे क्या लगा जबरदस्ती करते नहीं, तो अल्लाह ने ऐसा जबरी निज़ाम बना रखा है। और ये खुद दलील है आखिरत की, क़यामत की दलील यही है, मैदान अहशर में जी उठने की दलील ही, रोजाना इंसान जो है सो रहा है और जाग रहा है। तो आगे जो है क्या होने वाला है मैदान अहशर के अंदर, उसका थोड़ा सा जिक्र है। फिर अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं सूरत के अंदर कि जो साहिब ईमान लोग हैं उनका क्या अंजाम होने वाला है, जिन्होंने इनकार किया उनका क्या अंजाम होने वाला है, बस कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, देखो इनका अंजाम ये हो, इनका अंजाम ये होने वाला है। तुम किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, ये ग्रुप के ये ग्रुप, फैसला करो। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنن من الخاسرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة قائمة مقبولة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.